सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉक्स की डॉक्टर डूम मूवी के बारे में, जिसे लेकर कुछ अपडेट आए हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म पर काम चल रहा है, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक अपडेट भी आया है और ये अपडेट इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर नोहा हॉली ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, यानी कि समझो खत्म ही हो गई है, और अब वो चाहते हैं कि वो इसकी फिल्म पर काम शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉब्लम आप सबको पता है, मैं बात कर रहा हूँ फॉक्स और डिज्नी की डील के बारे में। जी हाँ, हॉलिन को ये डर है कि अगर वो इस फिल्म पर काम शुरू कर देंगे और इस बीच फॉक्स और डिज्नी की डील हो गई तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यानी उन्होंने जितनी भी मेहनत की होगी इस फिल्म को लेकर, उन सभी मेहनत को एमसीयू कचरे के डब्बे में फेंक देगा। सीधी सी बात है, एमसीयू ने इतने बड़े विलन को लेकर कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही है, या फिर हो सकता है कि एमसीयू डॉक्टर डूम को एज विलन फेज 4 में अनाउंस कर दे। खैर, ये सब तो रूमर है, ज्यादा डिटेल जब डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाएगी हमें तब मिलेगी कि एमसीयू इस प्रोजेक्ट का क्या करेगा। लेकिन इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर नोहा हॉली ने ये कहा है कि उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी को बिल्कुल बेस्ट लिखा है और ये उनका अब तक का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है। तो वेट कर लेते हैं फ्यूचर में इस फिल्म को लेकर क्या अपडेट आएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि हॉलिन सही कह रहे हैं और ये फिल्म बननी चाहिए डिज्नी और फॉक्स की डील होने के बाद भी, तो मुझे उस बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।